हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त है प्रीतम प्यारी। दोस्तों, परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से संबंधित बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अपडेट है, फैमिली आईडी को लेकर बड़ा तोहफा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जो बड़ी अपडेट आई है उसके बारे में देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अब पिछले 4-5 दिनों से फैमिली आईडी अलग हो रही हैं, आप अपनी फैमिली आईडी को अलग करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जब शुरुआत में फैमिली आईडी अलग होनी शुरू हुई उस समय दोस्तों केवल ऑपरेटर आईडी के माध्यम से फैमिली आईडी अलग हो रही थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद सिटीजन लॉगिन के अंदर भी स्प्लिट फैमिली का ऑप्शन जोड़ दिया गया और खुद ही आप अपनी फैमिली आईडी को अलग कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी खुशखबरी आ गई है, बड़ी अपडेट है। आपको तो पता ही होगा कि सिटीजन लॉगिन और जो ऑफिशियल लॉगिन के माध्यम से फैमिली आईडी अलग हो रही थी वो आप दिन में नहीं कर पा रही थी, केवल दोस्तों रात में अच्छे प्रकार से फैमिली आईडी अलग हो रही थी, वो भी सुबह सुबह के टाइम में। यानी कि दोस्तों, दिन में बिल्कुल भी आपकी फैमिली आईडी अलग नहीं हो पा रही थी। साइट इतनी बिजी चल रही थी, साइट में इतनी बड़ी दिक्कत थी कि जो फैमिली आईडी स्प्लिट का ऑप्शन है वो दिन में काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अब खुशखबरी आ चुकी है, अब जो फैमिली आईडी स्प्लिट का ऑप्शन है वो दिन में भी चलना शुरू हो गया है। अब दिन में भी आप अपनी फैमिली आईडी को अलग कर सकते हैं, तुरंत आपकी फैमिली आईडी अलग हो जाएगी। दोस्तों, खुशखबरी यही है कि अब दोस्तों जो साइट है वो अच्छे प्रकार से काम कर रही है। डिपार्टमेंट ने फैमिली आईडी की वेबसाइट को अच्छे प्रकार से मैनेज कर दिया है, अच्छे प्रकार से सेट कर दिया है। अब दोस्तों जो स्प्लिट का ऑप्शन है वो दिक्कत नहीं कर रहा है, अब तुरंत ही आपकी जो फैमिली आईडी है वो अलग हो रही है, आपको इंतजार नहीं करना पड़ रहा। दोस्तों, साइट के अंदर अब कैप्चा जोड़ दिया गया है और भी बहुत सी अपडेट कर दिए हैं, जिसके कारण दोस्तों अब साइट बिजी नहीं हो रही है, अच्छे प्रकार से रेगुलर काम कर रही है और आपकी फैमिली आईडी आप खुद ही अलग कर सकते हैं। इसके लिए आपको परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट पर जाना है, सिटीजन लॉगिन के माध्यम से अपनी फैमिली आईडी को लॉगिन करना है। वहां पर आपको स्प्लिट फैमिली का ऑप्शन मिलेगा, फैमिली आईडी नंबर डाल के सर्च करना है, ओटीपी फिल करना है, कैप्चा कोड फिल करना है और दोस्तों जिस भी मेंबर को आप अलग करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना है। दो अलग अलग फैमिली आईडियों की डिटेल आपके सामने आ जाएंगी, दोनों में रिलेशन सेट करना है और दोस्तों फिर आपको वैलिडेट करना है और फिर आपको कंफर्म कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपनी फैमिली आईडी को अलग कर सकते हैं। दोस्तों, ऑफिशियल लॉगिन के माध्यम से आप फैमिली आईडी अलग कैसे कर सकते हैं उससे संबंधित पहले से मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।